नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। एक नजर हेडलाइंस पर। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री का संदेश, कहा हम सब मिलकर बनाएं खुशहाल एवं निरोगी राजस्थान। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह, 4 दिनों में 80,000 से ज्यादा आए आवेदन। और राज्य सरकार का गांवों की साफ सफाई पर जोर, पंचायती राज मंत्री ने दिए आवश्यक कार्य योजना बनाने के निर्देश। दुनिया भर में आज विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सभी को अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर सीएम ने ट्वीट किया, आइए हम सभी मिलकर खुशहाल एवं निरोगी राजस्थान का निर्माण करें। पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही देश प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे सकता है। राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती हेतु संकल्पबद्ध है। चिकित्सा मंत्री श्री प्रसादी लाल मीणा ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर एक जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया। श्री मीणा ने कहा कि राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, यही वजह है कि देश भर में सबसे ज्यादा चिकित्सा के क्षेत्र में सफल नवाचार राजस्थान में ही हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 1 अप्रैल से मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की शुरुआत की है। इसके तहत प्रदेशवासियों को आईपीडी ओपीडी में रजिस्ट्रेशन से लेकर महंगी जांचें तक निःशुल्क हो सकेंगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जयपुर के जवाहर सर्किल पर आमजन को स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के संकल्प के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को निरोगी बनाए रखने की मंशा से चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार कर रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने के लिए लगभग 2 साल बाद रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल शुरू किया गया है। पहले दिन रजिस्ट्रेशन के लिए 4,000 से ज्यादा आवेदन आए, वहीं 4 दिनों में यह आंकड़ा 80,000 के पार जा चुका है। अब तक कुल 81,252 आवेदन प्राप्त हो गए हैं। 8,158 आवेदनों के साथ नागौर इस मामले में सबसे आगे है। 6,018 जयपुर जिले से, 5,226 बूंदी जिले से और 4,367 जोधपुर जिले से आवेदन प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री की 2022-23 की बजट घोषणा के अनुपालना में पोर्टल को फिर से शुरू किया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री रमेश चंद मीना ने कहा कि गांवों में भी शहरों की तर्ज पर साफ सुथरी सड़कें हों, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों एवं नालियों की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे ग्रामीण परिवेश में स्वच्छता का वातावरण तैयार हो सके। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा संग्रहण, डंपिंग यार्ड, लिक्विड एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे कार्य करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि ओडीएफ प्लस के तहत गांवों में पूरी साफ सफाई होनी चाहिए, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गांधी जी तो इतना बड़ा खजाना है कि उनके बारे में जितना पढ़ो उतना कम है, यह कहना है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का। मुख्यमंत्री ने जयपुर के सेंट्रल पार्क में गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर के दौरान यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी जी के बारे में जो भी पढ़ेगा उसके जीवन में वह काम आएगा। उन्होंने कहा कि गांधी जी की विचारधाराओं को दिल में उतार कर आज देश को बचाने का वक्त है। आज ऐसा माहौल बन चुका है कि लोकतंत्र को बचाना बहुत जरूरी हो गया है। फिलहाल सुजस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।